टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर अपने कार्यों का प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के लिए मंगलवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस के एनएक्सी भवन में किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सरोज ने थाना में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सरोज द्वारा पुलिसकर्मियों को गूगल सीट के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने कहा, डाटा वहां से आ रहा है। क्या बोलूंगा, ये घटना स्थल और जांच करता वहां से डाटा बेस के यहाँ डाटा आ रहा है। अब क्या हम लोग इसमें कार्रवाई की है, इसमें देखना चाहिए, लेकिन हमारे साथी लोगों ने नहीं लिखा है। अब नीचे हम लोग नहीं गए हैं, पहले तो शुरुआत के लिए नहीं लिखे। अब वहां नहीं, वहां से हम डाटा नहीं उठा रहे हैं। लिस्ट ऑफ आइटम इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने से हम विस्तारित लिखे हैं, क्रमानुबित लिखे हैं और कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, कोई कामा लगा के जैसे इन्होंने कामा लगा के जे जे कर दिए, तो इसमें तीन ऑप्शन आना शुरू हो गया। तो इसी प्रकार इसमें हमें जरूरत दो ही चीज की है, लंबे और निस्तारित की। आगे और भी कोई आप डाटा बेस बनाते हैं उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो तीन चार पाँच दस बनाना है, वो कामा लगा कर बनाते जाएंगे, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता जाता है। तो यह खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसके लिए हम लोग एक मेन पेज बना देते हैं। यहाँ से देखिए, ये कार्यशाला स्पेशली गोरखपुर के सभी थानों के लिए है। गोरखपुर के थानों पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, पोस्टेड है, उनके लिए है। ये गूगल शीट पे किस तरह से काम करना है, इसकी कार्यशाला है। देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि थानों पे बहुत सारे काम एक साथ चलते हैं, जैसे कि होली का त्यौहार है, उसी में आपको पंचायत चुनाव की तैयारी करनी है, उसी में बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर हम डेटा अपने थाने का प्रॉपर्ली मैनेज कर सके और उसको ऐसा कर सके कि हम कभी भी एक्सेस कर सकें, अपने फ़ोन से द्वारा एक्सेस कर सके, कहीं पे भी एक्सेस कर सके, वो ये कार्यशाला उसी के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी हमारे खासकर 19, 18, 17 और 16 बैच के कांस्टेबल्स को हमने बुलाया है, जो थानों पे ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। तो वो सब लोग आए हैं और आज पूरा दिन ये कार्यशाला चल रही है।